कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर करारा हमला बोला है और कहा है कि यह सूट नहीं लूट की सरकार है। वो दो दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। दौरे के दूसरे दिन आज राहुल गांधी ने साराडीह से डबरा तक पदयात्रा की। पदयात्रा के बीच बरभाटा में देश भर से आए किसानों से चर्चा भी की। बाद में एक रैली में राहुल ने केंद्र की एनडीए सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में बगैर पूछे जमीन नहीं ली जा रही तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध कर रही है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। भैया पहले हमने कहा था सूट बूट की सरकार है, आस्ते आस्ते आपको पता लगेगा सूट बूट और लूट की सरकार है। भैया पहले हमने कहा था सूट बूट की सरकार है, आस्ते आस्ते आपको पता लगेगा सूट बूट और लूट की सरकार है। भैया पहले हमने कहा था सूट बूट की सरकार है, आस्ते आस्ते आपको पता लगेगा सूट बूट और लूट की सरकार है। गरीबों से जमीन छीनो, गरीबों के पास जाओ और उन्हें कहो भैया देखो विकास की जरूरत है, अमीर लोगों से हम जमीन ले लेंगे, किसानों से जमीन लेनी है, आदिवासियों से जमीन लेनी है और हम आपको विकास देंगे। आज पूरी पदयात्रा हुई, कल मैं पूरा दिन मिला आदिवासियों से, मिला किसानों से, मिला और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आपकी जमीन चली गई, आपका जंगल चला गया, मुझे एक बात बताओ आपसे कि किसी को विकास मिला? या कोई एक व्यक्ति है जिसको इस विकास से फायदा हुआ? मैंने उनसे कहा हाथ उठा के दिखा दो भैया किसको यहां रोजगार मिला, और दो दिन में एक व्यक्ति ने ऐसे हाथ उठा के नहीं बताया कि भैया मुझे फायदा हुआ। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के जीजाजी जिस प्रकार सैकड़ों एकड़ लैंड किसानों के लैंड को हड़प लेते हैं और अपने पक्ष में कर लेते हैं, एक पूरा एक लैंड माफिया, एक लैंड रॉकेट चलाने वाले कांग्रेस नेतृत्व की परिवार इस प्रकार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, इस प्रकार इल्जाम लगाए, इसमें कोई जनता समझती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस प्रकार की बयानबाजी से, गलत जानकारी से वो नहीं बच सकते हैं। और पूरा जिस प्रकार भ्रष्टाचार किए, जिस प्रकार भूमि का उन्होंने, उनके जीजाजी ने जिस प्रकार सैकड़ों एकड़ हड़प लिया है, उसका जवाब पहले देना चाहिए किसी और के ऊपर इल्जाम लगाने के पहले।